यो बड़ीज़ आई एम एश, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। मेरे साथ आपका साल बहुत अच्छा ही जाएगा, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। जी आज हम बनाने वाले हैं आयरन फार्म, जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था, और आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है आयरन फार्म। पीछे देखिए घर कैसा लग रहा है, अभी डेकोरेशन पूरी नहीं हुई है, मेरे को कुछ समझ नहीं लग रहा था कि नीचे क्या लगाएं और साइड में। सो देख लीजिए, ऐसा कुछ घर मैंने बनाया हुआ है। साइड में ऐसे दरवाजे हैं, विलेजर विलेजर घुसते रहते हैं, देखिए अभी भी अंदर ही होंगे। ये देखो साइड में है, तो आपको कुछ ऐसा बेडरूम मेरा देखने को मिल जाएगा। देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है पता है मेरे को, लेकिन अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है करने को। नीचे भी कुछ ऐसा सस्ता सा इंतज़ाम किया हुआ है, अभी कुछ लगाया भी नहीं है मैंने। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे बात नहीं करने वाले, आज हम बनाने वाले हैं आयरन फार्म। तो उसके लिए मैंने कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा किए हैं, आप उसकी एक तेज सी क्लिप देख लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि मैंने सर्वाइवल में ही किया ये सब। देखिए गाइस, मैं तोड़ ही रहा होता हूँ, लेकिन मुझे नीचे क्या दिखता है आप खुद देखिए। इधर मैं जाता हूँ तो इधर वार्डन भाई का ताजमहल मेरे को देखने को मिल जाता है। भाई मेरे को बहुत डर लगता है इसमें जाने के लिए, लेकिन मैं ऊपर आ गया और ऊपर आते ही मेरे को भाई एक डायमंड मिल गया। उसे तोड़ने के बाद पीछे क्रीपर पड़ गया, सब कुछ पड़ गया और मरने से बचा। इतनी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद भी हमारे पास सिर्फ 40 ही आयरन मिला है हमें। कोई ना, इतने में तो होपर ऊपर बन ही जाएगा, बकेट भी बनानी है। अभी मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा कि क्या क्या बनाना है हमें। और सबसे पहले गाइस हमें ट्री तोड़ने पड़ेगा, क्योंकि चाहिए सामान बहुत ज़्यादा। तो ऊपर जाके देखते हैं भाई ये कर क्या रहे हैं, इधर सब इधर क्यों घूम रहे हैं। मैंने नीचे से ना बाय द वे पेट को काटा था, मेरे को लगा था लीव नीचे गिर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, पेड़ ऊपर ही अटके हुए हैं ये देखो हवा में। अब इनको नीचे उतारते हैं और आप देखें कैसे उतारता हूँ नीचे। ओके, तो गाइस वुड वार तो सब तोड़ दिया है, सभी पेड़ में झाड़ आया हूँ, नीचे उतार दिया बल्कि उनको। अब भाई फटाफट से आयरन का थोड़ा सा सामान बना लेते हैं, जो होपर ऊपर बनाना है ना वो बना लेते हैं। देखते हैं भाई कितना आयरन हो चुका है, मेरे ख्याल तो सभी स्मेल्ट हो ही गया होगा। ओके 15 इधर पड़ा हुआ है और 15 ठीक है, तो 12 मेरे साइड में पड़ा हुआ है, मतलब 42 आयरन हो गया। अब हमें वुड लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि सामान बनाने की तैयारी करते हैं, देरी ना हो जाए भाई, वीडियो लंबी चली जाएगी नहीं तो ज़्यादा ही कुछ। फटाफट से आपको मैं गाइड देता रहूँगा कैसे कैसे सामान बनाना है। फटाफट से इसको कर लेते हैं भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको। एक स्टैक इसका ले लेते हैं, सभी बीच में रख दो भाई, इतना टाइम थोड़ी ना है मेरे पास। चलिए चलिए 64 हो गया, चलिए चेस्ट बना लेते हैं दो, और मैं आपको मिलता हूँ अब सब सामान बनाकर। ओके तो गाइस, मैंने सब सामान कलेक्ट कर लिया, आप दिखाता हूँ आपको कि कैसे बनाना है और क्या क्या सामान आपको लगेगा बनाने के लिए। फटाफट से चलते हैं, इधर से विलेजर आसानी होगी ना लाने में, इसलिए मैं इधर ही बना रहा हूँ, और पास में भी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता पहाड़ियों पर, इसीलिए इधर आ चुके हैं। और आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना पड़ेगा बनाने के लिए आपको। ये बोर्ड भी लगेगी ना, आपको दिखाता हूँ, तभी तोड़ी है मैंने,
भाई बहुत गंदा मचा हुआ है भाई, घास घूस सब तोड़ना पड़ेगा। चलिए भाई सबसे पहले अब लगा लेते हैं दो चेस्ट, वो दिखाता हूँ सबको। ठीक है चलिए चेस्ट हाथ में पकड़ लेता हूँ ना। हाँ अब ठीक है, चलिए फटाफट से बेड भी ले आया हूँ भाई, 12 बेड लगे थे। चलिए फटाफट से ये बेड लगा देते हैं, सब सामान लगा कर आपको दिखा देता हूँ भाई कैसा कौन सा सामान आपको चाहिए। और ये सामान आप सबको लगेगा इसको बनाने के लिए, आप कलेक्ट कर लीजिए। उन देर तक मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको साफ़ करना है, क्लियर करना है, एरिया कितना कितना करना है। ठीक है गाइस, इसके बाद मेरी वीडियो में एरर आ चुका और वीडियो बहुत स्लो स्लो चल रही थी, इसलिए आप तेज़ में देख लीजिए, एडजस्ट करिए। ओके तो गाइज आपको एरिया ऐसे क्लियर करना है कि उसके ऊपर घास भी ना बचे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। उसके बाद आपको 9x9 का एक होल डिक करना है नीचे को, ठीक है जैसे मैं कर रहा हूँ आप देख पा रहे हो, एक होल डिक कर लिया। ठीक है उसके बाद आपको एक ब्लॉक होल डिक नीचे करना है, ऐसे स्ट्रेट डिक करते रहिए, 2 ब्लॉक की हाइट हो जाएगी। देखिए ऐसे खड्डा कर लीजिए एक, ठीक है ऐसे खड्डा हो जाएगा आपका भी जैसा मेरा हुआ है। उसके बाद आपको चारों कॉर्नर पर ना ऐसे पानी डाल दीजिए, तो बीच में ना एक रिटेंगल सा बन जाएगा। देखिए ऐसे कुछ, देखिए अब कैसा लग रहा है, ऐसा बन जाएगा आपका डब्बा सा एक। ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है, अपना मैं सामान ले लेता हूँ, आप भी अपना सारा सामान अपने इन्वेंट्री में रख लीजिए, फटाफट से रख लेते हैं और चलते हैं उसके अंदर। आपको बताता हूँ कि क्या करना है उसके, आपको फटाफट से ना बीच में फेंस गेट लगा दीजिए, ऐसे कुछ लगेगा आपका फेंस गेट। इसके बाद भी एक ब्लॉक लगेगा, ठीक है ऐसे लगने के बाद आपको नीचे 30 ब्लॉक डिक करना है, 3x3 का जो बना हुआ था ना हमारा स्ट्रक्चर उसके नीचे ही करना है 30 ब्लॉक डिक। 30 ब्लॉक नीचे आने के बाद ना आपको क्या करना है, एक ना 2x3 का ना एक होल डिक कर लीजिए उसके साइड में, जिसमें आपको सामान कलेक्ट करना है ना, बेसिकली हम वही बना रहे हैं, तो ऐसे आपको कर लीजिए। ओके 3 लेयर हो जाएगी, ठीक है ना 2 नीचे आ जाइए अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, चेस्ट लगा देनी है कुछ ऐसे, ये पानी चला जाए ना भाई। अब फटाफट से क्या करते हैं, हमें पानी चलिए चला गया, अब होपर लगा देते हैं इसके पीछे। होपर मेक श्योर करना कि सबसे कनेक्ट रहे चेस्ट से, एक दूसरे से कनेक्ट रहनी चाहिए होपर, ताकि सामान जो है ना सीधा अंदर ही जाए भाई चेस्ट में। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी अपना सामान गिरा के टेस्ट कर लीजिए कि होपर जुड़े हैं एक दूसरे के नहीं। देखिए चेस्ट में मिलेगा आपको सब सामान, ठीक है ऐसे कुछ सामान मिल जाना चाहिए आपको। ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आने के लिए ना ऐसे ब्लॉक कर लीजिए डिग, आप नीचे आ पाओगे। उसके बाद आपको साइन बोर्ड लगाने कुछ ऐसे, ये गलती से लिख पा रहा हूँ भाई, मैं जान के नहीं लिख रहा, आप भी लिखने बैठ जाओ। ऐसे लगा लीजिए, 3 लेयर बनेगी इसकी ऐसे कुछ, ठीक है बन चुकी है। उसके बाद आपको एक ब्लॉक के ऊपर लावा डाल दीजिए, ऐसा लावा आ जाएगा पूरे फैल जाएगा। उसके बाद आपको ना ऊपर जाने के लिए एक रास्ता डिक कर लेना है, अपने लैडर लगा सकते हो, मैं लैडर लगा कर ही जाऊंगा, फटाफट से चलते हैं ऊपर। और उसके बाद आपको क्या करना है, साइड में आइए, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है,
बेसिकली नीचे जाएंगे आयरन कॉलम। ओके इधर आपको ऐसा कुछ कर लीजिए, 3 ब्लॉक है ना, इसको डिक करने के बाद आपको नीचे 7 ब्लॉक डिक करना है, ठीक है। फटाफट से कर लीजिए, याद रखना ये सब ना हमें ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि बक्से के अंदर नहीं आना चाहिए कोई भी हमारा ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद आपको करना है नीचे डिक कर लेता हूँ मैं, फटाफट से चलते हैं भाई। उसके बाद ना आपको वो 3x3 का एक होल फिर से डिक करना है, फटाफट से करते हैं भाई 3x3 का, ठीक है। ओके ऐसा कुछ डिग हो जाएगा, उसके बाद आपको ना बेड लगा देना है पीछे की तरफ, ऐसे स्लैब्स लगा दीजिए, उसके बाद ट्रैप डोर ऐसे, उसके बाद ऊपर भी आपको ऐसा कुछ डिग करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे जाइए स्लैब्स के और ऊपर जाने का बेसिकली रास्ता बनाना पड़ेगा। 3x2 का कर लीजिए इधर भी, क्योंकि अभी बोर्ड बाड़ लगानी है, फटाफट से इधर बोर्ड लगा देते हैं और लीजिए काम हो गया। अब ऊपर जाना है बस हमें, आपको ना टॉर्चेस भी लगानी होगी, फटाफट से चलते हैं ऊपर, आपको दिखा देता हूँ भाई ऐसे कुछ। फटाफट से ऊपर चलिए, उसके बाद आपको टॉर्चेस लगानी है ताकि वो इधर ना हो जाए भाई, मार दे विलेजर को सभी। चलिए ऊपर जाकर ना आपको कुछ, फिर आपको ऊपर ऐसे ट्रैप डोर लगा देना है ब्लॉक लगाकर, ठीक है। ठीक चलिए लग चुका है, ऐसे खुलना चाहिए कि ताकि ज़ॉम्बी इजीली अंदर जा पाए। ऐसा ही आपको चारों ओर कर देना है, मेक श्योर करना है कि आप वो ट्रैप डोर लगाकर ही आए, ठीक है। उसके बाद आपको विलेजर लाकर इसके अंदर डाल देना है बेड वाले के अंदर, उसके बाद उसके ऊपर ब्लॉक लगा दीजिए, इजीली लग जाएंगे। उसके बाद जो आते हैं हमारे ज़ॉम्बी उसको डाल देना ट्रैप डोर वाले चेस्ट में, भाई ये क्या बोल रहा हूँ, चेस्ट मतलब उसे ट्रैप डोर में डाल दीजिए, उसके बाद वो बोर्ड में बैठ ही जाएगा। भाई बारिश बहुत तेज़ हो रही थी इसलिए मैं सोने आ चुका हूँ, और देखते हैं सुबह। अब हमारा जो है ना बिल्कुल आयरन फार्म क्लियर हो चुका है, मतलब बन चुका है, लेकिन बारिश क्या भाई, भूकंप आ गया भाई। अब देखते हैं फटाफट से जाकर कि वो बन चुका है या नहीं, मैं तो भाई बनाकर आ चुका हूँ, अब वर्किंग है या नहीं वो तो देखकर ही पता चलेगा। आप बताना भाई कमेंट में, अगर बन चुका हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और फटाफट से जाकर देखते हैं। मेक श्योर करना कि भाई आप स्टेप बिल्कुल सही करें, एक भी गलत हुआ तो नहीं बनेगा। ये क्रीपर क्या कर रहा है भाई, पानी में चलते हैं, अब चला गया। अब फटाफट से देखते हैं भाई, कैट तो, ओ भाई आयरन गोलम है, कैट तो रात को स्पॉन होनी शुरू हो गई थी, देखिए आयरन गोलम भी आ गया। अब तो किसी चिंता नहीं है भाई, देखते हैं कितना हो चुका है नीचे जाकर भाई। हाँ हाँ की आवाज़ आई जा रही है नीचे से, तो देखते हैं, आ रही आवाज़ आ रही है, आयरन गोलम मर रहे हैं भाई। 63 हो गया भाई, लॉटरी लग गई। होप करता हूँ कि आप सबका भी बन ही गया होगा, नहीं पता चलो तो पीछे करके देखे भाई, वीडियो बनाना जरूरी है, सर्वाइवल सीरीज है तो बहुत जरूरी है। मतलब आप बता दीजिए मेरे को, नहीं बना है तो मैं बना देता हूँ भाई आकर, और क्या कर सकता हूँ। वैसे आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा भाई। वीडियो बनाई थी, मेहनत लगी है ना मेरे को, 3 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई थी। एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरे को भी सुकून मिल सके कि हाँ मैंने कुछ किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर भाई, तू भी ले ले 2-3।